जो जो चाहता तो कह दो या रसूल अल्लाह। आका दमे आखिर नमाई जलवे दीदार जामीरा, दमे आखिर नमाई जलवे दीदार जामीरा, जलवे तो हमें अम्मे نثار کے بھی چہل پہل کے ہزاروں عید ربیع الاول، نثار کیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ قابل قدر حاضرین مجلس، سب سے پہلے تمامی حضرات کو میری طرف سے اس اہم خوشی کے موقع پر مبارکباد ہو۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آج کی خوشی کی برکتوں سے ہمیشہ ہمیں خوشحال رکھے اور ہر جگہ ہماری پریشانیاں دور ہو اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج آپ نے بھرپور محبتوں کا مظاہرہ کیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں اپنے نذرانوں کے ساتھ، اپنی عقیدتوں کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ آج آپ نے اپنی ذاتی اور دنیوی اور گھریلو مصروفیات چھوڑ کر کے پیارے آقا کے اس جلسے میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں
मिलता है बिन मांगे। अगर आप बेदार हैं तो बेदारी का सबूत भी देना पड़ेगा। अगर आप नबी की विलादत में खुश हैं तो उस खुशी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। और अगर आप हजूर की बारगाह में अपने नजराने पेश करना चाहते तो मोहब्बतों के साथ सुभान अल्लाह कहना ही पड़ेगा। और ऊंची आवाज से या रसूल अल्लाह कहना। अगर आपको यकीन है और पूरा यकीन है कब्र में बैठे हमारे और आप सबके आका हमारी आवाज सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और ये मजमा मुशाहदा भी कर रहे हैं, तो ऊंची आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। और एक किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मुहद्दिस बरेलवी ने क्या खूब इरशाद फरमाया, फरमाया मैं गदा हूँ अपने करीब का, मैं गदा हूँ करूँ मदहे अहले दुवल रजा, करूँ मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना लगे। अल्लाह अकबर। हमें अहमद रजा ने यही सिखाया है, जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, अरब का ताज सर पर रख शहंशाह आजम हो जा। और सुनिए जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, ऐसी महफिल में बैठने वाला बंदा खुश नसीब होता है। आप मोहब्बतों का मुजाहरा करने के लिए आए हैं तो ऊंचा बोलिए या रसूल अल्लाह। खामोश नहीं बैठना, आपको बोलते रहना है आपको, और पूरी बेदारी के साथ बैठना है जितनी देर आप बैठेंगे इंशाल्लाह। और ये बताना है कि हम नबी के सच्चे दीवाने हैं, हमारे दिलों के अंदर जज्बे इश्क रसूल शोला मार रहा है। इसी हवाले से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बोलो खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, बोलो खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं। ऊंचा सुभान अल्लाह। आज हम उस सरवरे कायनात की आमद की खुशी में जमा हो गए जिसके आने से पूरी इंसानियत जिंदा हो गई, जिसके आने से नफरतें खत्म हो गई, जिनके दुनिया में आमद के साथ ही जुल्मात छट गई, मोहब्बतें फैल गई, रोशनियां फैल गई, बदकारियों का खाला कमा हो गया है, झगड़े खत्म हो गए अरब में, एक तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद हो गई है। हम खुश क्यों ना हो जाएं, आज हमें वो मिला। ऊंचा ऊंचा प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम खुशियां क्यों ना मनाएं, आज हमें वो मिला जिसकी उम्मत में आने के लिए मूसा भी तमन्नाएं कर रहे हैं। सुनियो इस गुलामी पे नाज करो, सुनियो इस गुलामी पे फख्र करो। आप अभी बेदार नहीं हो रहे हैं, थके हैं मुझे लग रहे हैं। सुनियो जो इनाम तुम्हें मिला है इस इनाम पे फख्र करो। वो इनाम ये है कि हम आखिरी नबी की उम्मत में आ गए हैं। यूं तो बहुत सारी उम्मतें दुनिया में आ गई हैं और बहुत सारे अंबिया भी दुनिया में आ गए हैं। मैंने अर्ज किया मेरे मौला
नबी तो मूसा भी आए, ईसा भी अलैहिस सलाम आए। मैंने अर्ज किया मौला खलीलुल्लाह भी रसूल बन के दुनिया में आए। मैंने अर्ज किया हजरत नूह भी रसूल और नबी बन के दुनिया में आए। लेकिन मौला सिर्फ हम ही को क्यों कहा कि मैंने तुम पर एहसान किया है? प्यार से प्यार से प्यार से बस मुख्तसर अल्फाज के साथ अगर आप बेदार रहेंगे। मैंने अर्ज किया मौला उम्मत खलील को खलीलुल्लाह मिला, मूसा की उम्मत को मूसा रसूल मिला है, ईसा पैगंबर की उम्मत को ईसा जैसा रसूल मिला है, लेकिन मौला सिर्फ इस उम्मत को ये क्यों कहा गया कि मैंने एहसान कर लिया है? सुनिए जवाब। अल्लाह फरमाता है नबी और भी है, रसूल और भी आए हैं, लेकिन मैंने सबको अगर मूसा दिया, ईसा किसी को दिया, इब्राहिम किसी को दिल में मिला, नूह नजीउल्लाह किसी को मिला, उनको नबी जरूर मिले हैं, लेकिन तुम्हें नबियों का नबी मिला हुआ। औरों को अगर रसूल मिले हैं, तुम्हें रसूलों का रसूल मिला है, औरों को अगर नबी मिले हैं, तुम्हें इमामुल अंबिया मिला है। अगर आप खुश हैं तो सुभान अल्लाह दिल से निकालिए। ये जो सुभान अल्लाह कह के हाथ खड़ा करके खुशी का मुजाहरा कर रहे हो ना, यकीन रखो ये सब रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है। सबसे पहले खली से पाक समाप्त कर लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी ममात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। ऊंचा लोग कहते हैं नबी इसी 12 रबीउल में आए भी हैं और इसी में गए भी हैं। मैंने कहा नादान कोई और होगा तेरा जो आया और गया, हमारा जो आया गया नहीं। कोई और होगा तेरा जो आया और गया, हमारा नबी जब से आया गया नहीं। अगर गया होता तो कोई और नबी आया होता। नहीं समझे जुमला, नहीं समझे जुमला। खलीलुल्लाह गए, इस्माइल आए, बोलिए खलीलुल्लाह गए, इस्माइल पैगंबर आ गए, आदम गए, शीस पैगंबर आ गए, हजरत नूह चले गए, उजैर आ गए, मूसा चले गए, ईसा आ गए। तो ये दस्तूर है, जो नबी गया दूसरा आ गया, जो नबी आया फिर गया, चले जाने के बाद रब के दस्तूर के मुताबिक दूसरा आ गया, लेकिन हमारा नबी आया। अब अगर गया होता तो कोई और आया होता। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और गए होते, आया जरूर, लेकिन कादियान का रहने वाला, आया उसके बाद कादियान का वो खबील जिसकी मौत बैतुल खला में हुई, वो जरूर आया। एक झूठा दावा करने वाला आया। और अगर आप भी उसी ख्याल के हैं तो हमें आपसे झगड़ा नहीं। क्या बात, आप इंकार कर सकते हो कि नबी आया और गया, क्योंकि तेरा कोई और आया है, लेकिन हमारा कोई नबी नहीं आया दोबारा। ऊंचा नहीं बोल रहे अगर तेरी ताब उसके साथ किसी न तरीके से जुड़ रही है,
ठीक है मान लो उसको और कह दो वो नबी आया, खत्म नबूवत खत्म, उसके बाद कोई और आया, कर ले चर्चा, लेकिन हम जिस नबी को मानते हैं उसके बाद कोई नबी नहीं है, पूरा बेदार नहीं है। अब अभी भी उसी नबी का कलमा पढ़ लिया है जिस नबी ने कह दिया मैं खातम नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसीलिए हमने कह दिया हमारा नबी आया। मैं देखता हूँ बेदार कितने लोग हैं, ये जवाब देना पड़ेगा, हमारा नबी आया। एक ही नुक्ता याद रखोगे ना तो काम आ जाएगा। हमारा नबी बारह रबीउल अव्वल आया, कम वो करे जिनका झूठा नबी आया और मारा। बेशक हम गम क्यों करें, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, इसीलिए लोगों हम गम नहीं करते। हमारा नबी आया, लेकिन ऊंचा नहीं बोल रहे आया। अरे मैं कलमे का तर्जमा सुना दूंगा आपसे, मैं देखता हूँ कि तुमको याद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जमा क्या सुना अल्लाह के सिवा कोई मालूम नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, मैं कह रहा हूँ थे। अभी है एक कानून है, एक दस्तूर है, याद रखिए। तो दुनिया में आया गया इस स्टेज पर, पिछले साल कितने लोग रहे होंगे, आज वो कब्रों में हैं। हम ये नहीं कहेंगे वो स्टेज पर हैं, वो हम कहेंगे वो थे, लेकिन कोई कहेगा उधर उठ के नहीं जनाब फलानी साहब है, हम कहेंगे दिखाओ जो आया और गया, नहीं जो गया उसके लिए थे बोलते, जो है जो मौजूद है उसके लिए है बोलते हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, किसी ने इस कलमे का तर्जमा था नहीं किया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है मौजूद के लिए। एक और साहिल सवाल करने लगा, जनाब अगर है तो मौजूद है तो दिखाओ कहाँ है। मैंने कहा अगर यही तेरा अटपटी सवाल है तो फिर मेरा भी सुन ले, अल्लाह है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो ये उल्टी मंतिक पढ़ते हैं ना, उनको उल्टा ही पढ़ो। कोई वो मंतिक याद किया था, मंतिक का फलसफा याद किया था, हर किसी के पास बैठता था, कहता मंतिक पढ़ी है, हर किसी को डराता था, मन से पढ़ी है, मन से की बड़ा टफ टॉपिक है, मन से पढ़ी है। वो बेचारे कहते हमने नहीं पढ़ी है। एक दिन कश्ती पे सवार हो गया, समुद्र में जा रहा, वो जो कश्ती चलाने वाला था वो उसे भी कहने लगा मन से पढ़ी है। वो बेचारा बोला मैं उम्र भर ये कश्ती चला रहा हूँ, मन से कहाँ से पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता मन से क्या। अच्छा मन से नहीं पढ़ी है तो फिर आपने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद की। ये सवाल करने वाला कर, आपने आधी जिंदगी बर्बाद कर ली। अच्छा चलो हो गई तो अब क्या करें, आगे बढ़ा तो कश्ती डूब गई। कश्ती जब डूबी सारे समंदर में चले गए, तो जो कश्ती बांध था वो तैरने लगा, और तैरते तैरते बोलने लगा ओ मंतिक वाले तैरना सीखा है, तैरना सीखा है। डूब गया, मर गया, हलाक हो गया, कहा मैंने तो आधी बर्बाद कर ली, आपने तो सारी बर्बाद कर ली।
یہ فوراً آپ ان کی باتوں میں آ کر کے ڈر جاتے ہو شاید ہم غلط ہیں. ہمارا نبی آیا نہیں پورا مجمع بولو کہ علاج بنانے والوں جواب دینا پڑے گا. ہمارا نبی آئے گئے نہیں جب گئے نہیں تو کم کس چیز کا ہے. اب سوال یہی ہے کہ اگر ہے تو کہاں ہے. جب سوال کرنے والا کہے گا اللہ تو جواب دے دینا بتاؤ اللہ ہے. دیکھا کرامن کاتبی ہے زیادہ دور نہیں ہے وہ ادھر اور ادھر بے شک بے شک سبحان اللہ دونوں کو نمبر ہے انشاءاللہ دونوں کانوں کے پاس لکھ رہے ہیں یا علمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو وہ جان رہے ہیں. جب سوال کوئی کرے گا اگر نبی ہے تو دکھاؤ کہنا کرامن کاتبین ہے تو دکھاؤ. اب اعلی حضرت نے مسئلہ حل کر دیا دید ایک اور کو بے شک کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے. اب بات آگے چل گئی تو ایک نقطہ اور سن لیجیے میں واپس آتا ہوں ذرا پیار سے سنانے. ہم مانتے ہیں نبی ہر جگہ ہے حاضر ہے اچھا نہیں بولا آپ نے حاضر ہے موجود ہے. کہیں گے کیسے یہ تو ممکن ہی نہیں نبی ایک ہی ہے تو ہر جگہ کیسے ہو سکتا. میں نے کہا زیادہ بحث میں پڑھنے کے بغیر سورج کتنے ہیں جواب دیجیے آپ کتنے ہیں کہاں ہیں آسمانوں میں. تو سورج کے سامنے ہزار لاکھ ایک کروڑ آئینے رکھو بے شک ہر آئینے میں الگ الگ سورج نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا ہے کتنے ایک تو ہر آئینے میں کیسے آئے گا. یہ اصول آپ یاد رکھیے یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے اصلی سورج ایک ہے اصلی ایک ہے مثالی اربوں خربوں بھی بن سکتے ہیں. مثالی سورج اصلی اور مثالی ایک خرب آئینے سورج کے سامنے رکھ لیں بتائیے ہر ایک میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب یہ تو دنیاوی سورج ہے اب اس سورج کو جو نور ملا ہے وہ میرے نبی کے نور سے ملا ہوا ہے. حدیث نور آپ نے سنا ہوگا آج اسی کا دن ہے نور رسول کا تو وہ مختصر ایک جملہ ہے وہ سن لیجیے. حضرت جابر میرے نبی کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا جابر آج اس انداز سے میرے چہرے پر کیوں نظریں ٹکی ہیں. صحابی رسول حضرت جابر عرض کرنے لگے آقا آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کے میں اس پر میں اس غور و فکر میں پڑ گیا اس سوچ میں پڑ گیا کہ مولا رب ذوالجلال نے کائنات جب بنانا شروع کی ہوگی تو سب سے پہلے کیا بنایا ہوگا. چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ رب نے سب سے پہلے کیا بنایا ہوگا. تو میرے آقا نے منع نہیں کیا کہ اس سوچ میں پڑنے سے تمہیں کیا ملے گا. فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق نور نبی کا قبل کل شیء. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور من نور ہی اپنے نور سے بنایا. اللہ تمہارے دلوں کو بھی منور کر لے خوشی سے بولیے سبحان اللہ. اپنے نبی کی عظمتیں سن کر خوش ہو جاؤ گے میرا یقین ہے دنیا اور آخرت کی خوشی ملے گی انشاءاللہ. رب ذوالجلال کے حبیب نے فرمایا او نبی میرے جابر
अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से बनाया, वो खलक अल खलाइक मिन नूरी। सारी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सारी मखलूक अल्लाह ने मेरे नूर से बनाई। इकबाल ने कह दिया निगाहे इश्क मस्ती में क्या बात, मैं निगाहे इश्क मस्ती में वही शर्त लगाई, निगाहे इश्क मस्ती हो तो नजर आ जाए। क्या बात, निगाह जी वरना अबू जहल तो सामने था, बेशक नजर नहीं आया था, इतनी बड़ी आंखें नजर नहीं आया, इतनी बड़ी आंखें होने के बावजूद भी रब ने कहा सौम्य बेशक अकमन अमियन, ये अंधे हैं बेशक देख रहे हैं सब, रोके रहे अंधे हैं, अंधे हैं सुन भी रहे, रोके रहे बहरे हैं, बोल भी रहे रोके रहे गूंगे हैं। मैंने अर्ज की मौला ये सुन भी रहे देख भी रहे बोल भी रहे तो कहा जब रब रब ने फरमाया जब अबू जहल ने नबी को न समझा, जब नबी की न सुनी बेशक जब नबी की न बोली तो ये गूंगा ही है बहरा ही है अंधा ही है। इमाम इश्को मोहब्बत आला हज़रत ने कह दिया वो जो न थे वो कुछ न था, वो जो न हो वो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है। अपने ईमान को ताजा करो, बोलो सूरज कितने हैं, अरे वाह बुशार लग रहे हैं कितने हैं, एक ही है असली कितने हैं, अगर एक करोड़ आईने सामने रखोगे तो एक करोड़ आईने में एक करोड़ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये कायदे के लिए याद रखिए वो असली है ये मिसाली है, बेशक सुभान अल्लाह वो असली है ये मिसाली है, लेकिन ये बात तय हो गई असली एक जगह रह करके एक ही टाइम में खरबू जगह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खरबू जगह मौजूद भी है, उसका फैजान पहुंचा भी रहा है। अब ये तो दुनिया भी सूरज है लेकिन इस सूरज को जो रोशनी मिली है वो मेरे नबी के नूर से मिला है। ऊंचा ऊंचा ये दुनिया भी सूरज जो चमकता है ये नबी के नूर की बरकत से चमकता है, सारी कायनात का जो वजूद मिला वो नबी की वजह से मिला है। लौला कलमा खलक दुनिया ए नबी अगर मैं तुझे पैदा न करता तो दुनिया को न बनाता, दुनिया को न बनाता, ये सब कुछ जो बना नबी की वजह से बना, सूरज बने नबी की वजह से बना, सितारे बने नबी की वजह से बने, चांद बना नबी की वजह से बना, पूरी कायनात बनी नबी की। अब ये सूरज आला के हमारा
نبی سورج اعلی ہے، اب جواب دیجیے، بس بات بڑی اہم ہے، یہ سن لیجیے جلدی سے، سورج اسی سورج ایک، لیکن کروڑ ہزار روپے نظر آتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جب آگے جب آئینہ آگے صاف و شفاف ہو تو ایک دم اس میں سورج نظر آ جائے۔ سنا ہے میرے آقا رہ رہے ہیں مدینے اب بولیے نبی ایک نبی کا اصلی جسم وہ کہاں ہے؟ آپ عقیدہ ساتھ رکھ لیجئے، وہ نبی کہاں ہے؟ بہت سارے لوگوں کو حاضر و ناظر کے بارے میں غلطفہمیاں ہوئی ہے، اپنے لوگ بھی بہت ایسے ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا حاضر و ناظر کیا، اور غیروں کو تو وہ تو اندھے ہو ہی چکے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ نبی جسمانی طور پر ایک ہی ہیں اور وہ مدینہ یہ عقیدہ یاد، جسمانی نبی ایک ہی ہے، وہ قبر مبارک، اس قبر سے باہر نہیں نکلتے، یہ ہم سنا کا عقیدہ۔ لیکن آپ کہیں گے پھر ہم کہتے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، قبر میں بھی ہے، یہ کفر ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، میرا نبی جسمانی کہاں رہتے ہیں؟ سورج، نبوت کا سورج وہ ایک ہے، مدینے میں ہے، لیکن اگر آئینہ آگے صاف ہے دل، کیا بات، سورج کے سامنے آئینہ صاف رکھو گے تو نظر آ جائے گا۔ مومن کا آئینہ صاف ہے، عاشق رسول کا دل آئینہ صاف ہے، تو جب آئینہ صاف ہے نبی مدینہ میں چمک رہے ہیں، لیکن پوری کائنات کے مومنین کے دلوں میں بھی چمکتے رہتے ہیں۔ شاہدین فرمائش آ رہی کہ تھوڑا کشمیر میں دو شعر سنا لیجیے، آپ سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا، بس اسی عنوان کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ شاہدین مکان مدینہ، شاہدین مکان مدینہ، سورج کے آئینے، سورج کے سامنے آئینہ خراب ہوگا، تالک لگی ہوگی، کیا اس میں سورج نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر دل پہ
गुस्ताखी और बेअदबी की कलक कलक लगी होगी तो यहाँ भी कहाँ नजर आ जाएगा। इसके लिए तो वैसे करनी जैसा सीना चाहिए, प्यार से प्यार से। इसके लिए तो वैसे करनी जैसा सीना मुनव्वर चाहिए, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया करन में रहने वाला मेरा आशिक कभी मुझसे नहीं मिला, लेकिन यहाँ से मुझे उसकी खुशबू मिल रही है। है तो करण में, लेकिन मेरे नबी मदीना में फरमाते मुझे यहीं से उसकी खुशबू मिल रही है। पता चला आशिके नबी जहाँ कहीं भी है, नबी देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। बोलिए या रसूल अल्लाह, तो जवाब दीजिए हमारा नबी आया नहीं। अगर आप बेदार है तो जवाब, हमारा नबी नहीं। तो कहते बारह ही को आया, बारह ही को गया। अगर आने की खुशी है तो जाने का गम भी होना चाहिए। मैंने कहा गम तू कर, हम गम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नबी आया। अगर गया होता तो कोई और नबी आया होगा, कोई और किताब आई होगी, कोई और शरीयत आई होगी, लेकिन मेरा नबी आखिरी नबी। मेरे नबी पे जो किताब नाजिल हुई वो आखिरी किताब, मेरे नबी ने जो शरीयत दी वो आखिरी शरीयत, मेरे मुस्तफा ने जो दीन दिया वो, मेरे नबी की आखिरी जो आई है। अब कोई नबी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई शरीयत नहीं, लेकिन सवाल ये हुआ अब नबी का आखिरी में आना ही जरूरी क्यों था। लेकिन सुनिए, नबी नूरानी तौर पर अव्वल आ गए हैं, जिस्मानी तौर पर आखिर आ गए हैं। अब एक और नुक्ता अहम सुन लीजिए, नबी आखिरी जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरा एक कहना है आप लोगों से, आप नहीं गले किसके लिए लड़ रहे हैं? हुजूर के लिए हम बोलते हैं कि जान भी हाजिर है, तो जान छोड़ो, गले का लेकर बंद करो ना सारे। अल्लाह बोलिए नबी आए आखिर में आए, सारे नबियों के आखिर में आए। एक नुक्ता जल्दी से याद रखिए, जो जो नबी हुजूर से पहले आया हर किसी ने कहा अल्लाह है, हर किसी ने रब के तौहीद की दावत दी, हर किसी नबी ने कहा अल्लाह है। तो उम्मत ने सवाल किया अल्लाह है तो क्या आपने देखा? किसी नबी ने कहा हमने सुना। खलीलुल्लाह ने कहा मैंने सुना। नूह नजीउल्लाह ने कहा मैंने सुना। ऊंचा ऊंचा बड़ा प्यारा नुक्ता है, खत्म नबूवत के लिए बहुत अहम नुक्ता है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा खदा गल्ला है, लोगों ने सवाल किया क्या देखा तो कहा नहीं है सुना। हजरत ईसा ने कहा अल्लाह को मानो, ईसा अल्लाह है कहा हाँ है, कहा दिखा कहा नहीं देख सके खा सकता हूँ मैंने नहीं देखा। अब हर कोई कहता रहा है, है, है सुना सुना सुना। क्या अगर कोई अभी वाकया पेश होगा सब लोग